A tribute, Yaadon Ka Safar was recently held in memory of legendary ghazal singer Jagjit Singh. आज उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। काश ऐसा होता कि आज हम उनका जन्मदिन मनाते और वो भी हमारे साथ होते। एक साल पहले इसी दिन उनके 70th बर्थडे के सेलिब्रेशंस में मैं बहुत लेट में शायद मैं सबसे आखिर में पहुंचा। जगजीत जी के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ मुझे अब्बा की याद आती है। उन्होंने ही जगजीत जी के गज़लों से मुझे वाकिफ करवाया। जो उन्होंने गज़ल को नया ढंग दिया जो उससे पहले नहीं मौजूद था, लेकिन जो उन्होंने उसको कंटेम्प्रेरी रंग दिया और उसको ऐसा बना दिया कि उसको बाकी सब लोगों ने भी सुनना शुरू कर दिया जो उससे पहले गज़ल नहीं सुनते थे। मुझे याद है जो उनका पहला एल्बम बना था और उसमें जो पहला गीत था वो बात निकलेगी तो फिर दूर तरह जाएगी, और वाकई बात निकली और दूर तरह गई। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। पहली एल्बम मेरी जो थी उन्होंने कंपोज की थी, जिसका नाम ही था जगजीत सिंह प्रेजेंट सलत अजीज। जहाँ भी मैं गया हिंदुस्तान से तकरीबन 20 साल बाहर रहा था, जगजीत सिंह की आवाज मेरे साथ हमेशा रही। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। Jagjit Singh is a true legend and it is impossible to replace a singer like him. Aisi awaaz, aisa fankar, aisi shakhsiyat, aisi feeling, ye sab mushkil hai dobara kisi ek mein itna kuch milna. To sabse pehle to aankhon mein aansu aa jaate hain. Kyunki wo nahi hai hamare saath, to filmein aur records जो एल्बम्स बनेगी वो और बनेगी ताकि वो कमी महसूस ना। हाँ, एक कमी तो है और उसको वो जो जगह खाली हुई है वो भरना तो मुमकिन नहीं लगता मुझे, लेकिन ये कि हम यही उनको ट्रिब्यूट दे सकते हैं कि गज़ल की ट्रेडिशन को जारी रखें सिंगिंग। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी मेरे। Writer Javed Akhtar truly said that the best way to remember Jagjit Singh is to continue his legacy and keep ghazals alive in generations to come. We are rating this event. Kiya tumne to kya paao?